والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال تعالى في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه يعني القرآن وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ کیوں نہ ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں हो क्यों ना मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में वहां मजहब किताबों में यहां कुरान सीनों में हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान ये बात नहीं किसी को मालूम के मोमिन ये बात किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान तमाम हजरात मर्द ख्वातीन मोहतरमात दुरूद शरीफ तिलावत फरमाएं اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه ग्रामी कदर हाजरीन کرام बुजुर्गान दीन उलमाए किराम इज्जत वाली हयादार मेरी माएँ बहनें और बेटियाँ अजीज तलबा व तालिबात आज हम दीन एक्सेस तहफीज़ुल कुरान के ज़ेर इंतज़ाम तकमील हिफ्ज़ कुरान की मुबारक पुरवकार तकरीब सईद में जमा है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस रब्बुल आलमीन ने हमें मुसलमान बनाने के साथ साथ कुरान की दौलत से मालामाल किया और फिर आज रब्बुल आलमीन ने हमें वो लम्हात नसीब फरमाए कि इस इदारे की कारकर्दगी हमारे सामने 2 साल कारकर्दगी हमारे सामने आई किसी ने 18 महीने में किसी ने 20 महीने में किसी ने 22 महीने में और किसी खुश नसीब बच्चे ने 15 महीने में अल्लाह का कुरान सीने में महफूज किया है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ साथ मैं बिरादर मुकर्रम चौधरी इफ्तखार अली साहब का उनका भी शुक्रगुजार हूँ और उन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि वक्तन फवक्तन इस कार्य खैर से इस कार्य खैर के लिए मुझसे भी मशवरा होता रहा मैं भी इस कार्य खैर में मुशीर की हैसियत से शरीक रहा और एक दो मरतबा हजरत खारी अब्दुल खालिक साहब के साथ उनकी दरसगाह में बैठकर कुछ बातें सुनी और कुछ सुनाई
कुछ उनसे इस्तफादा किया और कुछ बातें उन्हें मैंने अर्ज की। यकीनन इसमें मेरा भी हिस्सा शामिल हुआ, इसको मैं अपनी सआदत समझता हूँ। और चौधरी साहब को इस बात पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो ये सिस्टम शुरू किया इस इदारे के ज़ेर इंतज़ाम, उसका नतीजा आज हमारी आंखों के सामने है कि इतने मुख्तसर से वक़्त में इतने तादाद में बच्चों ने अल्लाह का कुरान अपने सीने में महफूज किया है। हकीकत यह है कि यह कुरान का एजाज और कुरान का मौजजा है, वरना इतनी बड़ी किताब और इतनी कम उम्र बच्चों के सीनों में मिन्नो अन वैसे ही महफूज हो जाए जैसे अल्लाह ने अर्श से इसको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल अतहर पर नाजिल किया था। मिन्नो अन बगैर किसी जबर जेर नुक्ते की तब्दीली के जैसे अल्लाह ने उतारा था वैसा आज हमारे इन बच्चों के सीनों में अल्लाह ने महफूज फरमा दिया। और अल्लाह ने खुद फरमाया वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फअलमिन मुद्दकिर, याद करने के लिए हमने कुरान को आसान कर दिया है कोई नसीहत हासिल करने वाला। इन बच्चों ने तो कम से कम 15 महीने में अल्लाह का कुरान याद किया। हमारे सामने तो कुरान करीम का एजाज इससे कम मुद्दत में भी कुरान याद करने का मौजूद है। बाज अकाबरीन ने 6 माह में कुरान पाक याद किया, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 7 दिन में अल्लाह का कुरान याद किया। इससे भी कम वक्त में 3 दिन के अंदर अल्लाह के कुरान पाक को याद करने की मिसालें दुनिया में मौजूद है। हकीकत यह है कि कुरान ये कुरान का जिंदा मौजजा है। दुनिया की कोई किताब कि जिसके माने मफहूम का भी पता ना हो और इतना कम उम्र बच्चा इतने कम वक्त में मिन्नो अन जैसा कि आज से 1450 साल पहले कल्ब रसूल पे नाजिल हुआ था, आज उसी तरह बगैर किसी तब्दीली के सीने के अंदर महफूज हो जाना यह कुरान करीम का जिंदा मौजजा है। और तीसरे नंबर पर मैं अपने इन अजीज हुफाज किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनको अल्लाह ताला ने कुरान करीम की इस दौलत से मालामाल किया है। मेरे मोहतरम सामीन, ये बात ध्यान में रखना कि इन हुफाज़े किराम को मैंने तकमील कुरान की मुबारक आज पेश की है इतनी बड़ी तकरीब में। चौधरी साहब ने आपको बुलाया, हमें बुलाया, इतना बड़ा इंतजाम किया और ये पुरवकार तकरीब सजाई, इसमें हमने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। लेकिन हकीकत तो ये है कि इन बच्चों को जिन्होंने कुरान पाक को याद किया है इनको तो मुबारकबाद मेरे अल्लाह के फरिश्तों ने उस वक्त दी है जबकि अभी कायनात की कोई चीज बनी ही नहीं थी। उस वक्त फरिश्तों ने कुरान करीम के हुफाज को बल्कि कुरान से निस्बत रखने वाले को उस वक्त मुबारकबाद पेश की जब अभी कायनात नहीं बनी थी। सईदना हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला रोजे उम्मत के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, 5,500 के लगभग अहादीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ताला क़रा ताहा बयासीन क़ब्ल अन यख़लुक़ अस्समावाति वल अर्ध बिअल्फ़ आम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक की 2 सूरतें सूरत यासीन और सूरत ताहा की किरात फरमाई। मेरे अल्लाह ने खुद फरमाई, कब फरमाई? कबल अन यखलुक السماوات والارض بالف عام, आसमानों जमीन को पैदा करने से 1,000 साल पहले अल्लाह ने खुद किरात फरमाई। फिर इन दोनों सूरतों का मजमून बड़ा अजीब है। ताहा मा अनजलना अलैकल कुरान, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि हमने कुरान आप पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि लितश्का आप अपने आप को मशक्कत में डाल दें। अब सवाल यह है कि जब अभी कायनात नहीं बनी, आसमान जमीन पैदा नहीं हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसको फरमा रहे हैं कि हमने कुरान आप पे इसलिए नाजिल नहीं किया कि अपने आप को मशक्कत में डाल दें? मेरे मोहतरम सामीन, उस वक्त अल्लाह के सामने अगर कोई जात थी जिसमें कुरान ने नाजिल होना था वो आमना के लाल महबूब रब्बुल जलाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। अल्लाह जानते थे कि मैं अपने महबूब को जब कुरान दूंगा, मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तन्हाइयों में
قیام میں میرا قرآن اتنا پڑھے گا کہ نبی تھک جائے گا, نبی مشقت میں پڑے گا, تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو کائنات بنانے سے بھی پہلے قرآن کریم کے پڑھنے کی ہدایات دی اور فرمایا کہ اس لیے قرآن آپ کو نہیں دیا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا مشقت میں ڈال دیں, ذرا نرمی سے کام لیجئے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ان آیات میں اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھنے کا طریقہ اور عبادت کا طریقہ ارشاد فرمایا. اور سورۃ یاسین کے ابتدائی مضمون بھی یہی ہے. یاسین کا معنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں جو نقل فرمایا, یاسین کا معنی یا سید البشر, اے سارے انسانوں کا سردار. اور ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے تو وہ آمنہ کے لال محبوب رب الجلال جناب محمد الرسول اللہ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اللہ انہیں فرما رہے بل قرآن الحکیم, حکمت والے قرآن کی عظمت کی قسم, انک لمن المرسلین, آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. تو یہاں بھی خطاب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا. تو جب اللہ رب العالمین نے ان دو صورتوں کی قرات فرمائی تو چونکہ اس انسان تو کوئی پیدا نہیں ہوا تھا, البتہ اللہ کی معصوم مخلوق فرشتے پیدا ہو چکے تھے. حدیث میں آیا لما سمعت الملائکۃ القرآن, جب فرشتوں نے اللہ کی زبانی یہ قرآن سنا تو فرشتوں نے تین باتیں کہیں. پہلی بات فما طوبی لامت ینزل ھذا علیھا, اس امت کو مبارک ہو جس امت پر یہ قرآن مجید نازل کیا جائے. یہ ساری امت من حیث الامت مجموعی طور پر اس قرآن کی نسبت کی وجہ سے مبارکباد کی مستحق ہوئی, اور اس وقت مبارکباد دی گئی جب ابھی کائنات نہیں بنی, آسمان زمین نہیں بنے, قرآن کی نسبت رکھنے والی اس امت کو فرشتے مبارکباد پیش کر رہے ہیں. اور دوسری بات فَمَاتُوبَا لِعَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِحَاذَا, اس سے پہلا جملہ اور طوبا لِعَجْوَافٍ تَحْمِلُ حَاذَا, ان سینوں کو مبارک ہو جن سینوں میں اللہ کا یہ قرآن محفوظ ہوگا. میں نے اسی سے حدیث نقل کی ہے کہ میں نے ان بچوں کو آج مبارکباد پیش کی, ان کے والدین, ان کے عزیز و اقارب ان کو اس تقریب کے بعد مبارکباد پیش کریں گے, مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ خوش نصیب بچے ہیں جنہیں فرشتوں نے مبارکباد پیش کیا اس وقت جب کہ ابھی آسمان بھی نہیں بنے تھے, زمین نہیں بنی تھی, قرآن کے حفظ کی دولت کی وجہ سے فرشتے انہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں. اور تیسری بات وہ زبانیں ساری مبارکباد کی مستحق ہیں, ان زبانوں کو مبارک ہو جو زبانیں اللہ کا یہ قرآن پڑھیں. یہ فرشتے مبارکباد پیش کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے چودھری صاحب کا شکرانہ بھی ادا کیا, انہیں مبارکباد بھی پیش کی, اور ان بچوں کو بھی اور ان کے والدین کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا فضل فرمایا کہ آپ کے بیٹوں کے سینوں میں اللہ نے قرآن کریم جیسی کتاب کو محفوظ فرما دیا. آپ اپنی ان اولاد کو دنیا کی پتنی کیا کیا چیزیں دیں گے, جاگیریں دیں گے, سونا دیں گے, چاندی دیں گے, بینک بیلنس دیں گے, مکان زمین جائیداد جو بھی دیں گے اس کا انکار نہیں ہے, لیکن آپ نے جو اپنے بچوں پر محنت کر کے قرآن کریم کی دولت ان کے سینوں میں محفوظ کروائی ہے, دنیا کی ساری دولتوں سے یہ بڑی دولت ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کا قرآن کا ایک اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا, کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر چاہیے کہ ایمان والے خوشی منائیں, اللہ کا شکرانہ ادا کریں. یہ فضل اللہ کیا ہے؟ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ فضل اللہ سے مراد اسلام ہے اور رحمت اللہ سے مراد اللہ کا قرآن ہے. جس کو اللہ نے اسلام دیا, جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی, تو میں اس پر وہ خوشی کا انعقاد کرے, خوشی کا اظہار کرے جیسا کہ یہاں کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کیوں کیا جائے ایسا؟ اس لیے کہ ذالک ہوا خیر مما یجمعون, کہ دنیا میں لوگ جو کچھ جمع کر رہے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان سب کے مقابلے میں قرآن بھی بہتر ہے, اسلام بھی بہتر ہے. اللہ ہمیں قرآن کریم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے,
जिन्होंने कुरान करीम की कदर की है उनसे जाके पूछे कुरान क्या चीज है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक शख्स की औलाद नहीं हो रही थी, दुआएं मांगता रहा, इसलिए कि औलाद का खजाना और इख्तियारात तो सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। दुआएं अल्लाह से करता रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बेटी अता फरमाई। जब बेटी पैदा हुई तो उस बंदे ने खुश होकर के ये मन्नत मान ली कि ऐ अल्लाह अगर मेरी ये बेटी जिंदा रही, सलामत रही, जवानी की उम्र को पहुंची तो मैं इसके जहेज में सारी दुनिया की दौलत दूंगा। आप सारे तालीम याफ्ता लोग हैं, समझदार लोग हैं, कोई कितना बड़ा मालदार हो सारी दुनिया की दौलत का मालिक कौन हो सकता है, वो तो सिर्फ एक अल्लाह बादहुला शरीक की जात है। कोई कितना बड़ा जागीरदार हो एक मोहल्ले की दौलत का वो मालिक नहीं, एक मुल्क की दौलत का वो मालिक नहीं, सारी दुनिया की दौलत का वो कैसे मालिक बन सकता है। लेकिन एक बात थी उस शख्स के मुंह से ये बात निकल गई कि अगर मेरी बेटी जवान हुई जब शादी करूंगा तो सारी दुनिया की दौलत इसके जहेज में दूंगा। ये अलग मसला है कि बेटी को जहेज कितना देना चाहिए, उलमा से पूछ लेना, मैं वो बात सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ। उसने ये मन्नत मानी और कसम खा ली, अल्लाह की शान बच्ची जिंदा रही, सलामत रही, जवानी की उम्र को पहुंची, शादी का वक्त आया। अब बंदा बड़ा परेशान हुआ कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो सिर्फ एक मोहल्ले के लोगों की दौलत भी नहीं है, ये जाए कि सारे मुल्क की और सारी दुनिया की दौलत मेरे पास हो और मैं बेटी को दूं तो मैं अपनी कसम से कैसे ओहदा बरा हो सकता हूं, मेरी कसम टूटे भी ना और मेरा काम भी हो जाए तो मैं क्या करूं। बड़ा परेशान हुआ, कई लोगों के पास गया मगर इस उलझन का हल मालूम नहीं हुआ। तो किसी ने कहा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बड़े इमाम है फिका के, उनके पास जाओ, इस उलझन का सही माना में हल वो बता सकते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर सारी अपनी उलझन उनके सामने रखी तो सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्करा कर फरमाया बेटा परेशानी की कोई बात नहीं, जाओ अपनी बेटी की शादी का दिन तय करो, वक्त तय करो, रुख्सती के वक्त मेरे पास आ जाना, मैं जानू, आपकी कसम जाने, कसम पूरा करने का सामान जाने और अल्लाह जाने। बंदा मुफ्त में खुश हो गया, मेरा काम तो मुफ्त में होता है। चुनाचे मुकर्रा वक्त पर वो हाजिर खिदमत हुआ कि हजरत अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह घर में तशरीफ ले गए, कुरान करीम का एक नुस्खा लाकर उस बंदे के हाथ में रख दिया और फरमाया जाओ अपनी बेटी के जहेज में और कुछ ना रखो, यही कुरान करीम का एक नुस्खा, अपनी बेटी को जहेज में दे दो, तुम्हारी मन्नत और कसम पूरी हो गई, तुमने से दुनिया की दौलत नहीं बल्कि दोनों जहानों की दौलत बेटी को दे दी है। मेरे मोहतरम सामईन, जिन्होंने कुरान की कदर की है उन लोगों को अल्लाह ने दुनिया में मकाम भी तो बहुत दिया है। यही वजह थी कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा का जब सफर किया, पैदाइशी तौर पर आप मक्की हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से दीन पढ़ने के लिए, हदीस पढ़ने के लिए जब मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, 16 दिन आपके खर्च हुए मक्का से मदीना जाते हुए, ऊंट घोड़े का पैदल का सफर था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना तक का जो सफर था 16 दिन में किया और इस रास्ते में 16 खत्म कुरान के भी फरमाए। वह एक दिन रात में एक खत्म कुरान का भी चल रहा है और सफर भी मुसलसल हो रहा है। आज हम अपनी हालत ज़ात पर क्यों ना रोएं कि महीनों के महीने गुजर जाते हैं बल्कि साल गुजर जाता है और हमें कुरान करीम देखने की तौफीक भी नसीब नहीं होती। इसलिए मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि कुरान करीम के साथ अपना ताल्लुक वाबस्ता करें। कुरान करीम इतनी बड़ी वफादार किताब है कि इस कायनात में अल्लाह उसके रसूल के बाद कोई इतना वफादार नहीं किसी इंसान के साथ जितना अल्लाह का कुरान वफादार है। एक हदीस में आया है इमाम अल-अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कुरान वाला बंदा फौत होता है और घर वाले उसके उसको जब गुस्ल देने लगते हैं तो कुरान मजीद एक खूबसूरत आदमी की शक्ल में उसके सर की जानब आकर खड़ा हो जाता है और उस वक्त कुरान करीम को ये आंख नहीं देख सकती बल्कि दिल की आंख देखती है और दिल की आंख उस वक्त खुलती है जब ये जाहिरी आंख बंद हो जाती है। तो खूबसूरत आदमी की शक्ल में कुरान मैयत के सर की जानब आकर खड़ा हो जाता है। अहले खाना रिश्तेदार अहबाब उस मैयत को गुसल देते हैं, कुरान करीम वहां मौजूद रहता है। जब गुसल से फारिग होते हैं उसको कफन पहनाने लगते हैं तो कुरान मजीद आकर उस आदमी के सीने पर विराजमान हो जाता है। ऊपर कफन लपेट दिया जाता है, अंदर अल्लाह का कुरान होता है, जनाजा लेके चले कुरान साथ जा रहा है,
जनाजा पढ़ा जा रहा है, कुरान साफ है। जनाजा उठाकर जब चले, अक्सरियत लोगों की जनाजा पढ़ के वापस आ गई। चंद लोग कब्रिस्तान तक साथ जाते हैं और फिर वो भी कब्र में मैयत को लहात करने के बाद वापस आ जाते हैं। और पता है, जब मैयत को कब्र में लहात कर रहे होते हैं, मैयत उस वक्त क्या कह रही होती है वो हम उस वक्त तो नहीं सुन सकते, लेकिन अहादीस मुबारका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी बातें हमें बता दी हैं। तो मैयत जुबान हाल से उस वक्त कहता है, मट्टी में दबा के चल दिए दुआना सलाम, पत्नी पल भर में जमाने को क्या हो गया। वही लोग थे जो एक लम्हे की जुदाई बर्दाश्त नहीं करते थे, आज मट्टी में दबा के बगैर किसी दुआ सलाम के आइंदा दोबारा मुलाकात का वादा किए बगैर जा रहे हैं। ये सारे चले गए, लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान करीम जो मैयत के सीने पर विराजमान था, जब सारे चले गए तो कुरान करीम मैयत के सीने से निकलकर कब्र में मैयत के सामने आ जाता है, और इधर मुनकर नकीर भी सामने आ जाते हैं और आकर उससे सवाल करते हैं, मन रब्बो का, मन नबियों का, मा दीनों का। ये सवालात होने हैं और ये सवालात मुझसे भी होंगे, आपसे भी होंगे। दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन सवालों का सही जवाब कब्र में अता फरमा दे। कुरान करीम सामने आता है और बैयत को आकर कहता है, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। नकीरैन कहते हैं, आप एक तरफ हो जाएं, हमें हुक्म ये है कि हमने तन्हाई में इससे सवाल करने हैं। कुरान कहता है, तुम्हें हुक्म है कि तन्हाई में इससे सवाल किया जाए, और मुझे हुक्म ये है, मेरी वफा का तकाजा ये है कि मैं उस वक्त तक इसको ना छोड़ू तन्हा जब तक इसकी मुश्किल हल ना हो जाए, उसके जवाब सारे सही के सही ना आ जाए, मैं उस वक्त तक इनसे जुदा नहीं हो सकता। अब फरिश्ते मजबूर अपनी जगह, कुरान करीम की वफा अपनी जगह, तो फरिश्ते मजबूर होकर उस बंदे से सवाल करते हैं, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। मेरे मोहतरम सामीन, ये सवाल मुझसे भी होना है। दुआ करो अल्लाह करे इसका जवाब हमें दुनिया में भी नसीब हो जाए और आखिरत कब्र में भी अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। आज अगर पूछा जाए तेरा रब कौन है, तो बहुत कम लोग ही जवाब देते हैं, रब्बी अल्लाह। हालांकि इस पर हमारा कुछ खर्च भी नहीं होता, हमारा जोर भी नहीं लगता, लेकिन इस पर इनाम बहुत बड़ा मिलने वाला है। अगर किसी ने इस पर कुर्बानी दी है तो मेरे अल्लाह ने फिर उसको मकाम भी तो बहुत दिया है। दुख्तर फिरौन को कंघा देने वाली माश्ता नामी दाई ने जब उसके हाथ से कंघी गिरी और उसने वो कंघी उठाई, तो ऐसे मौके पर औरतों की जुबान से कोई ना कोई बात निकल ही जाती है। उस खातून की जुबान से भी एक बात निकली, ताई समन कफर बिल्ला, जो मेरे अल्लाह का मुनकर काफिर है, अल्लाह करे वो बर्बाद हो जाए। तो फिरौन की बेटी ने फौरन सवाल किया, मन हुआ वो कौन है जिसके बारे में तू ये कह रही है। उसने कहा, वहु अल्लज़ी फिस्समा इला व फिल अर्ज़ इला, मेरा अल्लाह तो वही है जो आसमानों में भी वही है, जमीन में भी वही है, सबका माबूद मुश्किल कुशा वही अल्लाह है। फिरौन की बेटी आग बगोला हुई, फौरन दौड़ी हुई अपने बाप के पास आई, फिरौन से कहा, मेरी माश्ता, मेरी नौकरानी तेरे सिवा किसी और को अपना माबूद बनाए फिरती है। फिरौन के दिमाग में तलातुम बरपा हुआ, गुस्से से भर गया, फौरन तलब किया। और कुरान करीम ने फिरौन को जिन लफ्जों से याद किया है, फरमाया, वा फिरौन ज़िल औताद, फिरौन मेखों वाला, जो उसको रब नहीं मानता था उसके हाथ पांव में मेखे गड़वा देता और जमीन पर उसको कस देता। इस माश्ता नामी औरत को बुलाया। लोग कहते हैं कि औरत सिनफ नाजिक है, लेकिन मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है। अगर औरत इस्तेकामत दिखाए और अल्लाह के साथ वफा करे तो कई मर्दों से भी आगे निकल जाती है, और जब ये बिगड़ जाती है तो फिर इंसानियत भी इसकी वजह से शर्मिंदा हो जाती है। इस माश्ता नामी औरत ने जब फिरौन ने इसको चौमेखा किया, फिर सवाल किया, माश्ता बता, मन रब्बो की, तेरा रब कौन है। तो माश्ता नामी औरत ने बबागे दोहल बगैर किसी खौफ खतरे के कहा कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है, रब्बुल मशरिक वल मगरिब, मेरा रब तो वही है जो मशरिक व मगरिब का रब है। फिरौन ने कहा, मुझे जानती हो, अच्छी तरह जानती हूँ, तू मेरे जैसा इंसान है, गंदगी का तू ढेर है, मेरे जिस्म में गंदगी कम, तेरे जिस्म में गंदगी ज्यादा, अच्छी तरह तुझे जानती हूँ। तेरी इब्तदा पानी का एक गरीज कतरा है, तेरी इंतहा यह कि तू मुर्दार हो जाएगा, दरमियान में तूने गंदगी उठाई हुई है, मैं तेरी हकीकत अच्छी तरह जानती हूँ। फिरौन ने थोड़े बरसाए, खातून ने इस्तकामत का मुजाहरा किया, फिर किसी मुशीर ने गलत मशवरा दिया कि इसके सीने के ऊपर आग का बर्तन भर के अंगारे रख दिए जाए, रख दिए गए। फिर पूछा, माश्ता बता, मन रब्बो की, मन इलाहो की, तेरा माबूद, तेरा रब कौन है। तो बीबी ने फिर भी जवाब दिया, रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है।
फिर किसी जालिम मुशीर ने मशवरा दिया कि इसकी शीरखार बेटियों को इसके सामने जिबा किया जाए तो मुमकिन है कि तुझे अपना रब मान ले। चुनाचे फिरौन ने उसकी एक बेटी को बुलाया, कहा माश्ता अगर मुझे रब मान ले तो ठीक, वरना तेरी बेटी को तेरी आंखों के सामने जिबा कर दूंगा। खातून ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, बेटी जबा हो जाए लेकिन अल्लाह की तौहीद में मैं लचक नहीं दिखाऊंगी। बेटी को जबा कर दिया गया। शीरखार बच्ची, दूध पीने वाली बच्ची को जहाँ लेट कर वो दूध पिया करती थी वहां लिटा कर उसको जबा किया गया। माँ का दिल हिला तो रब्बुल आलमीन ने उस बच्ची से फरमाया कि बच्चियां इतनी कम उम्र में बोला तो नहीं करती, लेकिन आज तेरी माँ के दीन और तेरी माँ के ईमान की इस्तकामत का मसला है, जन्नत जहन्नम का मसला है। आज तू ऐसी बोल कि तेरी बोल कयामत तक की तारीख का हिस्सा बन जाए। उस बच्ची ने जवाब दिया, या उम्मा इस्बिरी इन्नकी अंती अलल हक व इन्नल्लाह कद बना लकी बैतन फिल जन्ना। अम्मा सबर करो इसलिए कि आप हक पर हो, अल्लाह ने जन्नत के मोहल्लात हमारे लिए बना दिए, मैं जन्नत में पहुंच गई, जन्नत में आपके इंतजारे हो रही है। वो खातून साबित कदम हुई, चुनाचे उसको शहीद कर दिया गया, बेटियां भी शहीद कर दी गईं, खुद को भी शहीद कर दिया गया, उसके खावंद को जंगल से पकड़कर हजरत हिजकील को भी शहीद कर दिया गया। हदीस पाक में आया, जब इमाम अल-अंबिया सरकारे दो आलम रहमते दो आलम सैयदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह अल्लाह के महबूब को ऐसी खुशबू आई कि नबी अलैहिस्सलाम हैरान होकर पूछने लगे, जिब्रील क्या जन्नत आ गई? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आका अभी तो जन्नत को बहुत बड़ी देर है, अभी तो हम जमीन पर चल रहे हैं, जन्नत तो आसमानों में है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने सवाल फरमाया, फिर ये खुशबू आई जिससे मेरा दिलो दिमाग मुअत्तर मुअम्मर हो गया, मैं तो ये समझा था कि जन्नत आ गई, जन्नत की खुशबू है ये, तो फिर ये खुशबू कहां से अगर जन्नत नहीं तो। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस खातून को अपनी तौहीद की वजह से जो बरकत और जो इनाम अता फरमाया था उसका जवाब आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के महबूब ये फिरौन की बेटी को कंघा करने वाली दाई माई माश्ता की कब्र की खुशबू आ रही है, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सूंघा और हुजूर खुश हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी का ये बदला दिया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि फरिश्ते फिर सवाल करते हैं, मन रब्बो तेरा रब कौन है, फिर सवाल होता है मन नबियों का तेरा नबी कौन है, माँ दीनों का तेरा दीन क्या है। जब मैयत सारे जवाब सही देता है फरिश्ते चले जाते हैं, फिर ये कुरान होता है खूबसूरत आदमी की शक्ल में, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, फिर ये कुरान उस मैयत से कहता है अभी इंतजार करो मैं आया, फिर वो कुरान जन्नत से उस मैयत के लिए बिस्तर का इंतजाम करता है, जन्नत की खिड़कियां दरवाजे खुलवाता है और फिर कहता है नम का नौमतिल अरूस दुल्हन की तरह सो जा, अब कियामत का नगारा बजेगा उस वक्त उठना, उस वक्त तक तुम आराम से जन्नत में और इस कब्र में मजे लेते रहो। मेरे मोहतरम सामीन, जहां बेटा न जा सका, जहां भाई न जा सका, जहां वालिदैन न जा सके, जहां मियां बीवी में से कोई किसी के पास कब्र में ना जा सका, वह अल्लाह का कुरान गया और ऐसा गया कि उसके लिए कब्र के मसाइल भी हल करा के आया। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी कब्र में भी कुरान हमारी सिफारिश करे तो मेरे मोहतरम सामीन आज कुरान के साथ वफा करने का वक्त है, हम कुरान करीम के साथ वफा कर लें। ये इदारा आपके बच्चों की तालीम के लिए इसलिए खोल दिया गया, अपने बच्चों को यहाँ दाखिल करवाएं और कम वक्त में अपने बच्चों के सीनों में अल्लाह का कुरान महफूज कराएं, ताकि ये बच्चे भी कब्र में जाकर आराम की जिंदगी गुजारें और अल्लाह के महबूब के फरमान के मुताबिक वालिदैन को कियामत के दिन जो सोने का ताज पहनाया जाएगा वो हमें भी नसीब हो जाए। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए, सुबह शाम कुरान करीम की तिलावत और ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस ज़हन में आ गई, वर्ज़ करके बात खत्म करूँ। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जो बंदा रोजाना कुरान पाक की 200 आयात देकर तिलावत करता है, 200 आयात, सूरत यासीन में तकरीबन 83 आयात है और सूरत कुलवल्ला में 4 आयात है, सूरत फलक में 5 आयात है, नास में तकरीबन 6 आयात है, इस तरह ये चंद सूरतें मिलाकर अगर पढ़ ली जाए तो 200 आयात हो जाती हैं, और अगर कोई बंदा रोजाना एक पारा पढ़ ले तो 200 से भी ज्यादा आयात उसमें आ जाती हैं, लेकिन इनाम बड़ा है। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जो बंदा रोजाना कुरान पाक की 200 आयात देखकर तिलावत करता है, जब ये फौत होगा इसकी कब्र जहां बनेगी इसके कब्र के इर्द गिर्द 7 कब्र वालों की आंख में ये सिफारिश करता जाएगा, अल्लाह उन कब्र वालों की आंख में इसकी सिफारिश को कबूल फरमाते जाए।
खुद अंदाजा फरमाए जो 200 आयत रोजाना देखकर पढ़ने वाले की कब्र का हाल होगा वो वही होगा जो मैंने पहले अर्ज कर दिया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको रोजाना कुरान पाक की तिलावत और ज्यारत की तौफीक अता फरमाए। इस इदारे को बाकी तमाम दीनी इदारों को और तमाम इदारों को अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन दुगनी रात बेशुमार गुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।